हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डीएसएसवी के ऊपर वीडियो लाए हैं जिसमें हम सिनोनिम के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करें। बेल आइकन जो ऑल वाले पे है, इस ऑल वाले पे प्रेस करना है। हो गया आपका चैनल सब्सक्राइब्ड। आइए आज ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे डीएसएसबी के लिए जो सिनोनिम वगैरह पूछा जाता है उससे। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर आप केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी सिनोनिम एंटोनिम से एक दो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल डीएसएसबी का एग्ज़ाम है इसलिए हम उनके लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सिनोनिम होता क्या है। बहुत लोग को यही नहीं समझ में आता है कि सिनोनिम है क्या एग्ज़ाम में जाके, और वो कर ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, सिनोनिम सीधा आप हिंदी में याद रखिए कि सिनोनिम जो है पर्यायवाची शब्द होता है। मतलब जैसे हिंदी में जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं उसी को इंग्लिश में हम सिनोनिम कहते हैं, जिसका अर्थ समान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एबेंडन, एबेंडन मतलब होता है त्यागना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, लीव कर देना, गिव अप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्ज़ाम दे रहे हो डीएसएसबी के, बहुत लोग 3 बार 4 बार 5 बार दे रहे हैं तो बाद में कुछ लोग गिव अप दे देते हैं कि अरे ये एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं कि त्यागना, इस चीज़ से वंचित हो जाना। ठीक है, तो जिसका भी एक मीनिंग होगा और उनके अर्थ समानार्थक होंगे उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो पर्यायवाची को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सिनोनिम। और सिनोनिम को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो पर्यायवाची। तो समझ में आ गया होगा सिनोनिम। अच्छे से सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए कि सिनोनिम का मतलब होता है कि जिसका अर्थ समान हो या फिर पर्यायवाची। ओके, आइए तो आज हम 20 से 21 सिनोनिम को देखेंगे और इसे आज ही याद कर लेंगे। और इस तरह से मैं आपको कम से कम 500 सिनोनिम करवाऊंगी और इसमें से आपको 2 आएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 500 सिनोनिम करने के बाद 2 क्वेश्चन सिनोनिम से आएंगे, बट गारंटी है कि अगर ये आप 500 कर लेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन यहीं से आएंगे और आपके 2 नंबर डीएसएसबी में कन्फर्म हो जाएंगे। और आपको ऐसे ही करना होगा। अगर सिनोनिम के लिए अगर आप 100 सिनोनिम करके चल जाएंगे और सोचेंगे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और सेम चीज़ आपको एंटोनिम में भी करना है। एंटोनिम भी मैं आप लोग को करवाऊँगी 500-600 जितना भी हो सके, और वहाँ से भी 2 आएंगे। डीएसएसबी के अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो वहाँ पे एंटोनिम से 2 क्वेश्चंस आए हैं और सिनोनिम से 2 क्वेश्चंस, तो इस बार भी वैसा ही पैटर्न होना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एबेंडन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एबेंडन का सिनोनिम जो होगा वो होगा गिव अप, लीव, फोरसेक। तो आप हिंदी में भी याद कीजिए। अगर हिंदी में याद कर लेते हैं कि एबेंडन में त्यागना होता है, तो अगर त्यागना का इंग्लिश में लीव दे दे, गिव अप दे दे, फोरसेक दे दे, तो अगर आपको थोड़ा सा हिंदी पता होगा और इंग्लिश का भी मतलब है, गिव अप का मतलब क्या होता है पता होगा, तो आप इस तरह से कर लेंगे। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, कि एबेंडन ना देखे, आपको फोरसेक दे दे, ठीक है, फोरसेक दे दे और बोले कि आप इसका सिनोनिम बताइए, तो भी इसका सिनोनिम वही होगा, लीव होगा, गिव अप होगा, एबेंडन होगा। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखे तो आप उस पर क्लिक कर दें। दूसरा है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी भी चीज़ को शॉर्ट करना, उसको छोटा करना। अभी क्या है कि अगर आप एब्रीविएट को समझ गए कि एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना होता है, तो अगर आपको ऑप्शन में शॉर्टेन देते तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, छोटा का इंग्लिश क्या होगा, तो शॉर्टेन होगा, कंडेंस हो सकता है, एब्रिज हो सकता है। अगर एब्रीविएट ना दे, आपको कंडेंस दे दे कि कंडेंस का सिनोनिम बताइए, तो भी आपको वही करना है, शॉर्टेन या फिर एब्रिज या एब्रीविएट में से कोई ऑप्शन रहेगा तो करना। और यहाँ से क्या हो रहा है ना, हमें थोड़ा सा सिनोनिम तो याद हो ही रहा है, साथ ही साथ एंटोनिम भी इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कॉन्डेंस दे दे और कॉन्डेंस के बाद आपको अगर एग्जांपल में कहीं पे लॉन्गर दे दे, तो समझ जाइए कि कॉन्डेंस का मतलब तो संक्षिप्त करना होता है, छोटा करना होता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन में लॉन्गर है, तो लॉन्गर हमारा गलत आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तीसरा है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, रिजाइन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्विट, एबेंडन और सरेंडर। चौथा है एबिलिटी, हिंदी में बोलेंगे प्रवीणता या फिर योग्यता। इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी। यानी कि किसी चीज़ में कहते हैं ना कि आपकी एबिलिटी है,
आप जो DSSB के एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपकी एबिलिटी है? तो हाँ, आप अगर इंटर कर लिए हो, बैचलर कर चुकी हो, तो आप DSSB के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो कम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी, आपकी प्रवीणता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, क्या अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी ऐसा फॉर्म भर रहे हो तो क्या आप उसके लिए एबिलिटी हो, क्या आपकी प्रोफिशिएंसी है? तो ये हो गया उसका सिनोनिम। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का सिनोनिम जो होगा वो होगा एनोमेलस, पेक्यूलियर और डिफरेंट। एबनॉर्मल को हम हिंदी में बोलेंगे असाधारण या फिर प्रतिकूल। फिर है एब्सेंस, एब्सेंस को सिनोनिम होगा दर्द, डेफिशिएंसी और स्कार्सिटी। एब्सेंस को हिंदी में हम सभी जानते हैं, जैसे एब्सेंट, एब्सेंट से ही आपका एब्सेंस आया है, तो अनुपस्थिति। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण या शुद्ध। एब्सोल्यूट का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो है पूर्ण या फिर शुद्ध। तो यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट के जगह कम सिनोनिम इसका हो जाएगा कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्यून, ये ही आपका होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्रेड दे दे तो सेक्रेड भी एक तरह शुद्ध होता है। खैर, सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है, बट फिर भी अगर दे दे तो आप सेक्रेड भी सही कर सकते हो, क्योंकि वो भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। बट देगा नहीं, अगर पूछेगा तो इसी चारों में से कुछ भी घुमा के पूछ सकता है कि अच्छा कंप्लीट का आप हमें सिनोनिम बता दीजिए। एब्सटेन, एब्सटेन का हिंदी में बोलेंगे बचे या पृथक रहना। एब्सटेन का अर्थ होता है, और उसका सिनोनिम क्या होगा, एवॉइड, डिक्लाइन या रिफ्रेन रहना, किसी भी चीज़ से बचना। फॉर एग्जांपल कि या फिर किसी को एवॉइड करना, कोई आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ से हट के चले जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका एब्सटेन। एबंडेंट, एबंडेंट मतलब हो गया प्रचुर या अधिक, किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कह रहे हैं, एबंडेंट सिनोनिम हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, एबंडेंट सिनोनिम, जैसे कि हमने बताया कि 500 सिनोनिम, तो इसकी मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके जगह पे हम सिनोनिम में यूज कर सकते हैं प्लेंटीफुल, फुल या फिर बाउंटीफुल, ये तीनों का ही मतलब होता है अधिक। आई एम यूजिंग प्लेंटीफुल सिनोनिम्स, है ना, ओके। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट यानी कि जल्दी करना। हम लोग कहते हैं ना कि एक्सीलेटर से चलते हैं, मॉल में जाते हैं या फिर स्टेशन पे जाते हैं, तो हम लोग को अगर सीढ़ियां नहीं चढ़ना है या फिर हमारी ट्रेन छूट रही है, वहां पर एक्सकेलेटर है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्सकेलेटर से चलते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, एक्सकेलेटर से हम जल्दी चल सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ों को आप थोड़ा सा वहां पे अपना माइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवांस हो गया, एक्सपेडिट हो गया, हैस्टन हो गया, हड़ी हो गया। अब एक्सकेलेटर से जाने के दो रीजन हैं, एक तो जल्दी पहुंच जाएंगे और दूसरा एडवांस, थोड़ा सा शो ऑफ करना है, सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को देखिए, हैस्टन यानी कि जल्दी है। एक बार ऐसा भी था कि एक्सीलेटेड नहीं, देखिए हैस्टन दिया हुआ था और पूछा था कि हैस्टन का आप हमें सिनोनिम बताइए, तो याद रखना है हैस्टन मतलब जल्दी, तो उसका क्या हो जाएगा, हड़ी। ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये एग्जाम में आई थिंक DSSB या फिर NVS में पूछा गया कि हैस्टन का सिनोनिम क्या होगा, तो हैस्टन का सिनोनिम आपका हड़ी हो जाएगा। अब है एक्सेंट, सभी को पता है एक्सेंट क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो कहते हैं ना कि कौन सा इंग्लिश आप बोल रहे हो, अमेरिकन बोल रहे हो, ब्रिटिश बोल रहे हो, कौन सा एक्सेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि किस चीज़ पे आप जोर दे रहे हैं। तो एक्सेंट हो गया दबाव या जोर। एम्फेसिस, स्ट्रेच, पिच, टोन, इस तरह से याद कीजिए। फिर है एक्सेप्ट, किसी को रिलेट कीजिए। अब इतने सारे एंटोनिम बैठ के रटना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है और रटना सही भी नहीं है, तो कहीं से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए अभी हमने आपको 10 बताए और 10 को हमने रिलेट किया कि एवेंडन है, तो किसी चीज़ को त्याग देना। फॉर एग्जांपल DSSB का एग्जाम है तो हमने इसको गिवअप कर दिया, छोड़ दिए कि अब नहीं देंगे। एब्रिविएट है संक्षिप्त करना। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कम्प्रिहेंसन आता है, जब हम लोग 10th वगैरह में जब हिंदी इंग्लिश की ये पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल, तो कम्प्रिहेंसन आता है या फिर जो भी आता है, तो कुछ पैराग्राफ रहता है उसको बोलता है संक्षिप्त करने के लिए, तो ऐसे करके याद कीजिए। एब्डिकेट है तो कोई पद त्यागना है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल जॉब में है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस जॉब, सो यू आर जस्ट एब्डिकेट योर पद, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिए।
एबिलिटी बता दी एबनॉर्मल, तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके याद कीजिए तो याद भी रह जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ लॉन्गर मेमोरी के लिए रहेगा और आपके एग्जाम भी निकल जाएंगे। फिर है एक्सेप्ट, सभी को पता है कि एक्सेप्ट का होता है स्वीकार करना, बट उनका सिनोनिम जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्वायर है, गेन है, ऑब्टेन है, रिकॉग्नाइज है, एक्नॉलेज है और साथ ही साथ बिलीव्ड है। ये छः वो जो है आपका क्या हो गया, स्वीकार करना। तो अगर एक्सेप्ट में ये तीनों रहे आपका, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, तो ये तीनों हो जाएगा। और अगर एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज, बिलीव, ये हो गया विश्वास करना, यानी कि दो चीज़। फॉर एग्जांपल कि किसी ने, बहुत ही थोड़ा अजीब एग्जांपल ले रही हूँ, बट फॉर एग्जांपल कि आपने लव मैरिज कर ली और आप घर पे ऐसे करके चले गए, ठीक है, तो आपके पेरेंट ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि हम अमिताभ बच्चन से मिले हैं, ठीक है, आपने कहा कि हम अमिताभ बच्चन से मिले हैं, बट आपके पास कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, तो भी एक्सेप्ट करना कि ठीक है, उसके बाद के हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ वो कह रहा है तो सही होगा। तो ये दोनों, तो यहाँ पे अगर विश्वास की बात हो रही है एक्सेप्ट की, तो आपका हो जाएगा सिनोनिम एक्नॉलेज, बिलीव्ड एंड रिकॉग्नाइज। बट अगर किसी चीज़ को स्वीकार करने की बात हो रही है तो हो जाएगा आपका एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, सिनोनिम। फिर आपका 13 नंबर एक्सेस, तो एक्सेस को हम बोलेंगे समीप में या पहुँच, समीप में पहुँच, किसी चीज़ को एक्सेस करना। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन हो सकता है, एडमिटेंस हो सकता है, अप्रोच हो सकता है, एंट्रेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे याद रख लीजिए कि DSSB का एंट्रेंस आप देने जा रहे हैं, राइट, तो आप एक्सेस करने जा रहे हैं, इस तरह से चीज़ों को याद कीजिए। एक्सीडेंट, सभी को पता है एक्सीडेंट को दुर्घटना बोलते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम कैलेमिटी हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है और कोलाइसन हो सकता है। ये चारों ही एक्सीडेंट के सिनोनिम है, चारों का ही अर्थ समान है, ये चारों अर्थ का मतलब ही दुर्घटनाग्रस्त है। एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब स्वीकृति देना, किसी चीज़ को अलाउ करना कि ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है, राइट, और आपको कहीं पे जाना है आउट ऑफ स्टेट, बट आप जा नहीं सकते हो, तो आप जाके पुलिस ऑफिसर से आप एक स्वीकृति ले रहे हो, एक लेटर ले रहे हो, अलाउ ले रहे हो, एग्री करवा रहे हो उनसे, या फिर आप उनसे ग्रांट ले रहे हो पेपर पर लिख के कि आप मुझे स्वीकृति दें ताकि मैं दूसरे देश या दूसरे स्टेट जा सकूं। तो एकॉर्ड का हो गया स्वीकृति देना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एग्री, अलाउ, कन्फर्म या फिर ग्रांट। फिर है एक्यूज, एक्यूज को हम बोलते हैं हिंदी में, एक्यूज का अर्थ होता है दोषी या अपराधी ठहराना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट एंड क्रिमिनेट। ये चारों का ही मतलब सेम है, दोषी या फिर अपराधी ठहराना। नेक्स्ट है इक्वेंट, 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 इक्वेंट मतलब होगा जान पहचान करना, जान पहचान करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने DSSB का एग्ज़ाम देने गए, मैं DSSB का एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि DSSB का ही अभी नियरेस्ट एग्ज़ाम है, दैट्स वाई। किसी भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हो तो आप किसी से जान पहचान बना रहे हो, फैमिलियर हो रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त ने किसी से आपको मिलवाया, तो आप वो क्या करवा रहे हैं आपसे, आपको आपके दोस्त किसी से एक्वेंट करवा रहे हैं, यानी कि डिस्क्लोज कर रहे हैं, फैमिलियराइज कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिवील मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों का ही कोई भी सीक्रेट है वो भी रिवील करना हो सकता है, इन्फॉर्म, कुछ आपको बताना है, तो इस तरह से आप चीज़ों को देखिए और याद कीजिए और माइंड में बैठाइए कि एक्वेंट का हिंदी होता है जान पहचान करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज, फैमिलियराइज, इन्फॉर्म और रिवील। फिर है एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, एक्वेंट से ही जो है आया आपका एक्वेंटेंस आया है, कहाँ से आया है, एक्वेंट में ही ANCE जोड़ दिए तो एक्वेंट्स हो गया, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस हो गया। तो एक्वेंटेंस को हम बोलेंगे जान पहचान, और उसका सिनोनिम हो जाएगा कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप। फिर है एडवांस्ड, सभी जानते हैं एडवांस का मतलब क्या होता है, कि उन्नति करता हुआ, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड, एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट। तो एडवांस्ड का सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिव। फिर है एडवांटेजियस, यानी कि लाभदायक, किसी भी चीज़ का एडवांटेज लेना। अभी हमारी
केवीएस की एग्ज़ाम है, डीएसएसबी की एग्ज़ाम है और पूरा कोरोना से सभी घर में बैठे हुए हैं, तो इसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं कि हम अच्छे से दिन रात करके मेहनत करें और इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करें। तो क्या होगा, इसका हम प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका हम बेनिफिट ले रहे हैं, तो बेनिफिशियल हो गया, गेनफुल हो गया, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ को किसी चीज़ को गेन कर रहे हैं और कन्वीनियंट भी हो गया। तो एडवांटेजियस का हिंदी में बोलेंगे लाभदायक और उसके सिनोनिम हो जाएंगे बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, कन्वीनियंट। अभी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपको दे दिया कि कन्वीनियंट का सिनोनिम बताने के लिए, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दे एडवांटेजियस दे दे, इक्वेंट दे दे, एडवेंचरस दे दे और एक्वेंटेंस दे दे, तो आपको राइट आंसर पेयर करना है जो है एडवांटेजियस। फिर है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें और ये बताइए कि इसमें से कौन सी वर्ड आपको पहले से मालूम था जिसका मीनिंग आप जानते थे, या फिर कौन सा मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, कौन सा फ़नी वर्ड था मेरा। जो भी आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फिर है एडवेंचरस, सभी जानते हैं एडवेंचरस का मतलब क्या होता है, किसी कहीं भी हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 1200 फीट से हम ये कर रहे हैं तो वो भी एडवेंचरस हो गया, या फिर हम किसी नए जगह पे जा रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, कोई डेयरिंग वाला काम कर रहे हैं, सिंपली बोले तो एडवेंचर कर रहे हैं, राइट। एडवेंचर तो सभी समझते हैं, उसको हिंदी में हम बोलते हैं साहसिक, मतलब बोल्ड हो गया, डेयरिंग हो गया, रेकलेस हो गया, रिस्की हो गया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम माउंटेन पे ही चढ़ रहे हैं, हिमालय पे ही चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा क्या है, एडवेंचरस काम है, बोल्ड काम है, डेयरिंग है, रेकलेस है और साथ ही साथ रिस्की भी है। तो इस तरह से चीज़ों को याद कीजिए, किसी चीज़ से कि एडवेंचरस का मतलब, एडवेंचरस जैसे ही आ रहा है तो याद कीजिए कि अच्छा हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो ट्रैकिंग करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमको थोड़ा डर लगेगा कि क्या होगा नहीं होगा, थोड़े से बोल्ड वाली चीज़ हो रही है, रिस्की भी हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ों को अगर आप याद करेंगे तो अच्छे से याद रह जाएगा और भूलेंगे नहीं। तो आशा करती हूँ कि ये 21 वर्ड आप लोग को आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे कॉमेंट में करके आप बताइए कि इक्वेंट का सिनोनिम क्या होगा, अभी जो हमने आपको इक्वेंट बताए थे, इक्वेंट का सिनोनिम क्या होगा, हमें आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम मिलेंगे 22 नंबर सिनोनिम से। बाय बाय, टेक केयर।